दोस्तों, टाइम एंड वर्क का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने कुछ बोला था आपसे मिसलेनियस क्वेश्चन कराने के लिए, वो भी मैंने करा दिया हूँ। वो हमारा पार्ट नंबर 15 था, 15। आप लोग जाकर देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। और जितने भी मैंने सारे पार्ट कराए हैं, आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि सभी पार्ट को बारी बारी से आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि अगर बेसिक और अच्छी समझ बनानी है तो आपको हर एक पार्ट का वीडियो जरूर देखना होगा और देखिए भी इसको। हमने पार्ट 15 में जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया था। थोड़ा सा उसमें कहीं पर छूट गया था। छूटने का मतलब क्या है कि वीडियो बंद हो गया था, आगे पार्ट वो आंसर नहीं आ पाया था, तो उसको थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है, हल्का सा आंसर कैसे आएगा वो इसमें डिस्कस करके उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। जरा देखिए, वहां पर हमारा एक्स की जो वैल्यू आई थी, एक्स इक्वल टू 10 आया था और एक्स इक्वल टू कितना आया था, 1। हमारे 15वें पार्ट को आप लोग जाकर देखिए, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक्स की वैल्यू 10 आया था और एक्स की वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो हम इसमें कौन सा लेंगे कौन सा नहीं, जरा चेक करते हैं। हमारा जो 15वां पार्ट था उसमें ये डेज दिया था, 9 वुमेन एक्स डेज में हमने माना था और 3 वुमेन को x-5 डेज में। आप लोग वहां पर जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो यानी कि 9 वुमेन 1 दिन में करती हैं, 1 डेज में, और यहाँ पर 1-5 करेंगे तो -4 डेज, यानी कि 3 मैन 4 डेज में। तो बच्चों, जो दिन होता है वो माइनस में नहीं आता है, इसीलिए अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। 1-5 यानी कितना आ जाएगा, -4, इसीलिए ये वैल्यू नहीं ले सकते हम लोग। तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, 10। अगर 10 लेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले में उसके क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, यानी कि अनुपात आदमी और औरत का। तो हमारा 1 वुमेन इतना था और 1 मैन का इतना था, तो हमारा जो रेशियो आएगा निकल कर मैन और वुमेन का, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। जरा देखिए, ये हमारा 9 वुमेन का था, ये 9 वुमेन का x-5 था, तो हमारा यहाँ से 1 वुमेन का कितना हो जाएगा, 1 वुमेन का हो जाएगा x-5/9। ये चीज मैंने सॉल्व किया वहां पर, 1 निकाल कर देखा हो, वहां पर रखा हूं, आप लोग वहां पर चेक कर लीजिए। तो मैंने वुमेन और मैन का रेशियो ले रहा हूं, तो अगर यहाँ पर 10 रखेंगे, 10-5 यानी कि आ जाएगा कितना, 5/9। और मैन का अगर रखूंगा हम यहाँ पर, वुमेन अब मैन अपॉन वुमेन का रखेंगे ना, मैन और वुमेन का रेशियो हमसे पूछा है, तो मैन का कितना हो जाएगा, 10/3। एक्स है ना, x/3, तो एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 10, 10/3 हो जाएगा। तो पहले पे हमारा आ जाएगा 10/3, ये हो गया। अपान ये वाला है तो ये अपान लगाए, और वुमेन का कितना जाएगा, 5, यानी कि 10-5 यानी कि 5/9, तो कितना जाएगा, 5/9, यानी कि कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 10/3 × 9/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 3 3 = 9, यानी कि 6/1। तो जो हमारा मैन और वुमेन का रेशियो आएगा 6/1, यानी कि जो रेशियो आएगा 6:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा वो वाला पार्ट का। हमारा यही आंसर नहीं निकाल पाया था, हमने वैल्यू निकाल कर रख दिया था, हमारा वीडियो बंद हो गया था, तो वो आंसर कंप्लीट हो गया है। अब लोग हम लोग चलते हैं बात करने, क्या हम लोग करने वाले हैं। तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया, हमारा मिथलेनियस का भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने जितना कहा था उतना आपको कराया हूँ। एक पार्ट टाइम एंड वर्क का और बनेगा, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको मैं जरूर आपको एक पार्ट बनाकर उसके भी वीडियोस बना दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही छोटा पार्ट होगा वीडियोस का, मतलब 2 या 3 पार्ट में पाइप एंड टंकी कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि टाइम एंड वर्क से ये रिलेटेड चैप्टर है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पूरा अच्छे तरह से आपने पढ़ा है 15 पार्ट, उसके बाद आप लोग पाइप एंड टंकी का हर एक क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। इसीलिए जैसे ही टाइम एंड वर्क खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद हम पाइप और टंकी स्टार्ट कर दिए, तो उससे को रिलेट है, इसी वजह से हम इसको पाइप एंड टंकी को पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं, पहले पाइप और टंकी खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जरा देखिए,
पहले क्वेश्चन में आपको इंग्लिश वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इंग्लिश वाला पार्ट बोल दे रहा हूं, जैसा कि आपको हमारे वीडियो में हिंदी वाला दिख रहा होगा, इंग्लिश वाला मैं बोल रहा हूं। जरा देखिए इंग्लिश वाला क्या कह रहा है। कह रहा है टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक। टू पाइप, दो पाइप है, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक, किसी टैंक को वो फिल करते हैं, भरते हैं। आप लोग लिखिए उसको, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप लोग इसको उतारिए। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक कितने घंटे में है? इन 20 एंड 30 मिनट। कितने मिनट में है, घंटे में नहीं है, इन 20 एंड 30 मिनट। आप लोग इसको लिखिए, टू पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 मिनट। ओके, आगे क्या बोल रहा है? इफ बोथ द पाइप्स आर यूज टूगेदर, इफ बोथ पाइप आर यूज टूगेदर देन हाउ लॉन्ग, देन हाउ लॉन्ग विल इट, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, टेक टू फिल द टैंक। ठीक, आप लोग ये वाला लिख लिए होंगे इंग्लिश पार्ट का, हिंदी आपको दिख रहा होगा। जरा देखिए क्या कह रहा है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। किस कैसे कह रहा, एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में, जरा देखिए यह सवाल मैं लगा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। दो पाइप की बात कह रहा है, एक ए है और एक बी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए वाला पाइप कितना ले रहा है? 20 मिनट ले रहा है, और बी वाला पाइप कितना ले रहा है? 30 मिनट ले रहा है। दोनों क्या कर रहा है बच्चों, आप लोग ये चीज जरूर देखना, ये भर रहे हैं ना, दोनों पाइप क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, टैंक फिल हो रहा है। इंग्लिश में आपको दिखेगा तो टैंक आपको फिल हो रहा है कि इम्पिटी हो रहा है, ये चीज आपको मेंशन जरूर करना है, एकदम ध्यान से देखना है कि वो भर रहा है कि खाली हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर भर रहा है, इसीलिए अभी तक हम कोई कुछ नहीं करेंगे। क्या कहने वाला हूं मैं आपसे, भर रहा है खाली होने इसका क्या मतलब है, अभी अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां पर हमने वही टाइम एंड वर्क का सीधे सीधे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या छोटा वाला होगा? नहीं। क्या वाला बड़ा वाला होगा? बिल्कुल। अगर ये इससे कट जाए तो 30 से तो 20 नहीं डिवाइड होगा, तो हम क्या लिख लें, 32 या 60, क्या 60 लिख सकते हैं? हाँ, अगर 60 लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 23 जा 60 और 32 जा 60। ये बात आपको समझ में आई? कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जा रहा है। हमारा टाइम एंड वर्क में क्या था, इफ द बोथ वर्क टूगेदर, एक साथ काम करे, यहाँ पर एक साथ टंकी को खोल रहा है, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे। आप लोग को ये बात समझना है कि एक साथ खोलने पर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, कौन दोनों, टंक पाइप ए को और पाइप बी को एक साथ जोड़ देंगे, आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी कि 5। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। वन डे ऑफ वर्क से हम इसको क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, तो वन डे ऑफ वर्क एक दिन का कार्य कितना है हमारा, 5। एक दिन के कार्य से हम इसको भाग देते हैं, किसको, टोटल वर्क से, कुल कार्य को। तो हम अगर इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 12। और आंसर किस में आएगा, ये मिनट में अगर दिया है तो हमारा मिनट में आंसर आएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 मिनट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। कह रहा है कि ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई ए टैप इन 4 आवर्स वाइल इट कैन बी इम्पटीड बाई अनदर टैप इन 9 आवर्स इफ द टैप आर ओपेंड देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न गेट फिल्ड। इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, जबकि दूसरा नल उस टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर क्या है, खाली कर सकता है, और यहाँ पर क्या है, भर सकता है। कह रहा है यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए, एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ पर पहला जो नल है वो क्या कर रहा है, वह फिल्ड हो रहा है,
फोर आवर्स में, और दूसरा नल क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है कितने, 9 आवर्स में। तो बच्चों अब यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा, अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आप लोग जरा समझिए। ए और बी की बात कर रहा है, ए सिस्टर यानी कि एक एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। पहला जो है फिल्ड हो रहा है, पहला जो है भर रहा है कितने, 4 घंटे में, 4 आवर्स में। तो पहले के लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर बच्चों वो टंकी भरेगी तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब टंकी खाली होगी तो हम उसमें कुछ करेंगे। क्या करेंगे जरा देखिए, कह रहा है दूसरा, वाइल इट कैन बी इम्पटीड अनदर टैप इन 9 आवर, जो दूसरा वाला है टैप वो 9 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि हम दूसरे टैप को क्या मान ले रहे हैं, बी। अगर वो खाली कर रहा है 9 आवर्स में, 9 घंटे में वो खाली कर रहा है, तो यहाँ 9 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। अब जरा अभी हम बताते हैं क्या करना है, पहले इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, क्या 9 होगा, अगर 9 लिखेंगे तो 4 से यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, तो क्या 9 2 जाए 18 लिख सकते हैं, 18 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 9 4 जा 36, क्या 36 लिख सकते हैं, अगर 36 लिखेंगे तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। जरा करते हैं, 4 8 जा 4 9 जा 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36, और 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। जरा बच्चों अब देखिए, अगर ये भर रहा है और ये खाली हो रहा है, तो हमको सिर्फ करना क्या है, जो भरेगा वो तो हमेशा प्लस में रहेगा ही, जो खाली होगा उसको हम माइनस कर देंगे, बस हम यहाँ पर अपने आप ये खाली हो रहा है इसमें माइनस ऐसे लगा देंगे, ये भी खाली हो रहा था क्योंकि ये इसका पार्ट है, इसीलिए अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, भर रहा है हमने इसमें कुछ नहीं किया, पहला जो सवाल था उसमें क्या हो रहा था, भर रहा था, इसीलिए हमने उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन जब भी इम्पटी या खाली का केस आएगा हम उसके सामने माइनस कर देंगे, जैसे इसके सामने हमने माइनस कर दिया, जैसा कि ये इसका पार्ट है तो इसके भी सामने क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो प्लस में है ही, लेकिन ये बी किस में है, माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर 9 माइनस 4 कितना जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, समझ में आया। कह रहा है यदि वो एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ मीन्स यही हो गया, एक साथ खोलेंगे तो कितने, यानी कि 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो करने कितने हैं, 36, तो 36 काम करने हैं तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, तो 1/5 इतना क्या आ जाएगा, ये क्या है, आवर्स में है तो घंटे में आंसर आ जाएगा। तो 7 सही, 1/5 घंटे हमारा आंसर हो गया। हमने इसमें क्या किया, जो खाली हो रहा था उसके सामने माइनस कर दिया, तो ए माइनस बी हो गया, इसमें माइनस किया ये, चूंकि टोटल वर्क हमारा 36 था और 1 घंटे में 5 काम हो रहे हैं, तो 36 काम कितने घंटे में होंगे, तो पूरा का टोटल वर्क को 1 डे ऑफ वर्क से हम क्या करते हैं, 1 आवर ऑफ वर्क से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 आवर में कितने हैं काम हो रहे हैं, 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आवर्स में निकल जाएंगे बच्चों, 7 सही, 1/5 आवर्स में हमारा निकल जाएगा। ओके चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ये देखिए एकदम टाइम एंड वर्क से कोरिलेट क्वेश्चन है, आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं पाइप और टंकी को इसके बाद पढ़ा रहा हूं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स, जरा देखिए यहां पर कह रहा है फिल 5 आवर्स, पाइप बी 10 आवर्स, यानी कि पाइप बी के बारे में नहीं बात कर रहा, फिल हो रहा है कि इम्पटी, लेकिन यहां पर अगर फिल लिख दिया तो इसके लिए भी वो क्या होगा, फिल होगा, ठीक, एंड पाइप सी 30 आवर्स, तो इसके लिए भी क्या होगा, फिल होगा। कह रहा इफ ऑल द पाइप आर ओपन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, क्या कह रहा है हिंदी में, पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में, और पाइप सी 30 घंटे में क्या करते हैं बच्चों, भरते हैं, यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा। जरा देखिए हमें जो जो दिया है वैल्यू वो लिखते हैं, ए बी सी, यहाँ 3 केस हैं, तीनों के लिए हम लिखते हैं, जरा देखिए यहाँ पर है ए और बी और सी,
तीन केस हैं, कितना कितना घंटा ले रहा, 5, 10 और 30। यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 30। क्या तीनों भर रहे हैं? अगर तीनों भर रहे हैं तो हम माइनस लगाएंगे? नहीं, ये ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस में। तो प्लस में हमने छोड़ दिया है। अब इसके लिए एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा वाला संख्या अगर 30 ले लें तो क्या तीनों से डिवाइड हो जाएगा भाग देने पर? बिल्कुल कट रहा है जरा, तो 30 हो जाएगा हमारा। अगर हम 30 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 5 6 जाए 30, 10 3 जाए 30, 31 जा 30। इसको डिवाइड कर लिए, बोल रहा है तीनों एक साथ खोल दिए जाए, तो इसमें कोई माइनस में है? अगर माइनस में नहीं है तो सभी प्लस में है, सभी प्लस में है तो सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा बच्चों है कितना, 30। 1 डे 1 आवर ऑफ वर्क कितना आ रहा है, 10। तो 1 आवर ऑफ वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं, 30 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आवर्स। क्योंकि ये घंटे में दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 3, अगर घंटे में दिया है, आवर्स में दिया है, तो आंसर हमारे किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 एंड 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ये बच्चों फिल हो रहा है, क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, दोनों फिल हो रहे हैं। पाइप सी कैन इम्पटी, जबकि पाइप सी जो है वो क्या हो रहा है, इम्पटी कितना हो रहा है, 12 आवर। कह रहा इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर, यहाँ पर टूगेदर हो रहे हैं, ओपन कैसा हो रहा है, टूगेदर, देन द टैंक विल बी फिनिश इन, कह रहा है तो टंकी कब भर जाएगा। कह रहा पाइप ए और बी किसी टंकी को 5 और 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप सी जो है 12 घंटे में खाली करता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ पर बच्चों 3 पाइप लिया है, ए बी सी, कह रहा है 2 पाइप हैं वो भर रहे हैं टंकी को, जबकि जो तीसरा पाइप है वो निकाल रहा है पानी को। तो जो निकालेगा वहां पर हम माइनस कर देंगे, जो जो भरेगा उसको एडिटिव छोड़ देंगे। जो जो दिया है हम वैसे लिखते हैं, जरा देखिए, हमें 3 पाइप दिया है, ए बी और सी के, कितना कितना दिया है, 5 6 इसका दिया है, तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, और सी वाले का कितना दिया है, 12, तो सी वाले का हम लिखते हैं 12। पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा, क्या 12 होगा। अगर 12 लिखेंगे तो 5 और 6 से नहीं कट पाएगा, 6 से तो कट जाएगा परंतु 5 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए 12 5 जा 60। अगर हम 60 ले लें तो क्या सभी से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो जरा अगर 60 लेते हैं तो 12 5 60, 6 दहम्मा 60 और 12 5 60, इतना आ गया हमारा। तो जरा देखिए, जबकि ए और बी भर रहे हैं और सी क्या हो रहा है, खाली, तो हमने बोला था जो खाली होगा उसमें अब हम माइनस का साइन कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये तो प्लस में है तो ए प्लस बी हो गया, ये माइनस का सी है तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, और 22 में से 5 जाएगा कितना जाएगा, 17, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक, 12 में से 22 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 17। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। टोटल वर्क से हम इसको 1 आवर ऑफ वर्क से डिवाइड कर देते हैं, 1 घंटे का कितना काम हो रहा है मिलकर, 17 काम, तो 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 51, 17 3 51, 17 3 51 तो 3 बार ही जाएगा, और 9 बचेगा, अपान में कितना आ जाएगा, 17, इतना आ जाएगा। चूंकि ये किस में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, आर्स में है, तो ये हमारा आर्स में आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों देखिए बहुत ही इजी है, कितना जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क का हमारा पूरा पार्ट अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो पाइपेट टंकी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप लोग जरूर देखिए, आप ये सारे सवाल मुश्किल से 3 सेकेंड या 4 सेकेंड के अंदर आप अपने माइंड में लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, पेन चलाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? टू टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 12 एंड 18 मिनट। 12 एंड 18 मिनट, और ये क्या हो रहा है बच्चों? फिल हो रहा है। कह रहा है बोथ आर केप्ट ओपन फॉर 2 मिनट। 2 मिनट के लिए क्या हो जा रहे हैं? ये ओपन हो जा रहे हैं। कह रहा है एंड द फर्स्ट इज टर्न्ड ऑफ इन हाउ मेनी मिनट मोर विल द टैंक बी फिल्ड। कह रहा है यदि फर्स्ट को हम क्या कर दें, टर्न ऑफ कर देंगे, बंद कर दें, तो कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स मोर विल द टैंक बी फिल्ड, कितने समय में टैंक भर जाएगा। कह रहा दो नल किसी टंकी को 12 और 18 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल को 2 मिनट के लिए खोला जाए, तो पहले नल को बंद कर दिया जाए, तो कितने समय में टंकी जो है वो भर जाएगी। तो जरा देखिए, यहाँ पर हमको दो नल की बात कह रहा है, तो एक मान ले रहा हूँ ए, एक मान ले रहा हूँ बी। तो पहला दे रहा है 12 और दूसरा दे रहा है 18। क्या ये दोनों भर रहे हैं, दोनों फिल हो रहे हैं? तो देखिए दो नल है, दोनों भर रहे हैं। अगर दोनों भर रहे हैं, फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर साइन किसका होगा? प्लस का। तो IGT जैसे रहते हैं। उसके बाद हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे सवाल को पढ़ते हैं। तो इसका एलसीएम कितना ले लें? क्या 18 ले? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 18 12 से नहीं कटेगा। तो 36 लेते हैं, 36 लेते हैं। 18 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 36। तो 12 3 36 और 18 2 36। चूंकि कह रहा है 2 मिनट के लिए दोनों नल को खोल देते हैं, तो पहले इसको ऐड करते हैं ए प्लस बी, तो इधर कितना हो जाएगा? 5। अगर दोनों नल को एक साथ खोल देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस बी, तो इधर भी जुड़कर कितना हो जाएगा? 5। लेकिन ये दोनों नल कितनी देर के लिए खुले हैं? कह रहे हैं 2 मिनट के लिए खोल देते हैं। यदि दोनों नल को 2 मिनट के लिए खोल दिया जाए, तो ये दोनों नल 1 मिनट में 5 कर रहे हैं, तो 2 मिनट में कितने करेंगे बच्चों? तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10। यानी कि 10 काम हो चुके हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में 10 काम हो चुके हैं। लेकिन कितने काम होने हैं? अभी 36 काम होने हैं, तो 36 में से कितने काम हो चुके हैं? 10। तो 10 निकाल दें, तो कितना काम अभी बचा है? यहाँ पर अभी 26 काम बचा है, ये 26 वर्क अभी बचा हुआ है। तो कह रहा है पहले नल को बंद कर दिया जाए। पहला नल कौन सा है? ए। तो अगर पहले नल को बंद कर देंगे, तो अब नल कौन खुला रहेगा? 2, यानी कि बी वाला। बी वाला कितना आया है? 2, यानी 2 आया है, तो बी वाला ओपन रहेगा। बी का 1 आवर ऑफ वर्क कितना है? 2 है, तो टोटल वर्क कितना बचा हुआ है? 26, और बी अगर खुला रहेगा, तो बी का कितना है? 1 आवर ऑफ वर्क 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 2 2 1 2 2 3 6, यानी कि 30। चूंकि क्वेश्चन में मिनट में दिया है, तो यहाँ पर आंसर किस में आएगा? मिनट। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 13 मिनट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न। यहाँ पर फिल कर रहा है कितना? 12 मिनट और 16 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टूगेदर After how much time B should be closed so that the tank is full in 9 minutes? कह रहा है दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 और 16, 16 है ना, 16 है, ये 16 है, 16 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो कितने समय में पाइप बी को बंद करें कि टंकी 9 मिनट में भर जाए? तो यहाँ पर हमें दो पाइप का दिया है, एक और ए एक और बी, दोनों भर रहे हैं, एक ले रहा है 12, एक ले रहा है 16। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सवाल को।
क्या कह रहा, एक ए है एक बी है, पहला ले रहा है 12, दूसरा ले रहा है 16। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, तो 48 अगर हम ले लें यहाँ पर एलसीएम, तो अगर 48 ले लेंगे तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, ये हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोलने का मतलब अभी तो हमको जोड़ना है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी, और यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कह रहा पाइप बी को कब बंद करें कि टंकी 9 मिनट में भर जाए। कह रहा बताइए पाइप बी को कब बंद करें, पाइप बी को कब बंद करें कि टंकी 9 मिनट में भर जाए। ये क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत ही घुमा देगा कि बताइए यहाँ पर कैसे निकालें कि पाइप बी को कब बंद कर रहे हैं। वो पूछ रहा है पाइप बी को बताइए कब बंद करें कि टंकी 9 मिनट में भर जाए। जब भी ऐसा आएगा तो वहां पर ए की बात नहीं कहा है, कहा पाइप बी को कब बंद करें, यानी कि यहां से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि बी को बंद करने के लिए बोला है, ए को नहीं। इसका मतलब है ए 9 मिनट तक खुला रहेगा। अगर कह रहा है 9 मिनट में भर जाए, इसका मतलब है कि ए जो है वो 9 मिनट तक बच्चों क्या होगा, खुला रहेगा। क्यों? क्योंकि पाइप बी को बंद करने की बात कह रहा है, ए को नहीं। और जब भी हम पाइप बी को बंद करने की बात करेंगे, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तो बी की बात कर रहा है, ए की नहीं कर रहा है, तो तुरंत ए तो 9 मिनट तो खुला ही रहेगा ना। तो बस हमको एक यहां से कॉन्सेप्ट मिला, एक तुरंत मिल गया वहां से। तो जरा देखिए, ए अगर 1 मिनट में 4 काम करता है तो 9 मिनट में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 36। 9 4 जा 36, यानी कि 48 काम करने थे जिसमें से 36 काम हो चुके हैं, तो इसमें से हम 36 काम को सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 12 आएगा। कितना आ जाएगा इसमें, 12, यानी कि 36 काम तो ए ने 9 मिनट तक पूरा किया। उसके बाद जो बचा हुआ है, 48 में से 36 निकल गए, यानी कि बचा हुआ काम अभी कितना बाकी है, 12। अब ये 12 किसके ऊपर आएगा, ये 12 काम बी ही करेगा। कैसे जाने बच्चों बी करेगा, ए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए ने 9 मिनट तक तो काम किया ही, क्योंकि टंकी 9 मिनट तक तो चलती है, उसके बाद भर जाती है ना 9 मिनट में। तो ए ने 9 मिनट में कितना काम किया, 36, तो बचा हुआ काम किसके ऊपर आएगा, बी के ऊपर। तो 48 काम टोटल थे, 36 ए ने कर लिया, तो कितना काम बचा, 12 वर्क। अगर 12 वर्क बचा तो 12 वर्क कौन करेगा, 12 वर्क बी करेगा। अगर बी करेगा तो बी के 1 डे ऑफ वर्क से हम उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो बी का 1 डे ऑफ वर्क कितना है बच्चों, 1 डे नहीं है, यहाँ पर कितना है क्वेश्चन नंबर 6 में कितना है, मिनट। तो 1 मिनट ऑफ वर्क कितना है बच्चों, 3। तो 1 मिनट ऑफ वर्क से डिवाइड कर दे तो टोटल वर्क यहाँ पर है कितना, 12, और 12 1 मिनट ऑफ वर्क 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो बी का कितने मिनट में आएगा आंसर, 4 मिनट में। तो हमें पता चल गया कि बी को हम कब बंद करें, 4 मिनट में बंद कर देंगे तो टंकी 9 मिनट में भर जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन देखिए कितना घुमाऊ क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन सब एकदम अलग अप्रोच के हैं, हर क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा कहीं ना डिफरेंट है। इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देखिए। 7 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पाइप ए कॉमा बी एंड सी कैन फिल, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फिल हो रहा है ए टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर वर्किंग एड इट टूगेदर फॉर 2 आवर्स, कितने आवर्स, 2 आवर्स। सी इज क्लोज, सी क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी, यहाँ पर एंड लगकर आया है, ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर, कितना, 7 आवर। द नंबर्स ऑफ आर टेकन बाई सी एलोन टू फिल द सिस्टर्न इज, कह
कैलाशी अकेला कितने समय में उस स्टंट को भरेगा। कह रहा हिंदी में देखिए, ए कॉमा बी और सी तीन नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। उसके बाद कह रहा है तीनों नल एक साथ खोला जाता है और 2 घंटे तक टंकी को भरते हैं, 2 घंटे तक टंकी को भरते हैं। उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब ए और बी शेष टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं, तो सी अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए बच्चों, वहां पर शायद नीचे वाला ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोल दे रहे हैं। कह रहा अब ए और बी शेष टंकी को 7 घंटे में, यहाँ तक शायद दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद है भर देते हैं, तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। ये हमारा था क्वेश्चन। तो जरा देखिए यहाँ पर बच्चों दिया है ए बी सी तीनों एक टंकी को कितने घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में। ए बी और सी तीन नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, यानी कि तीनों लोग मिलकर 6 घंटे में भरते हैं। आपको इतनी समझ तो आ ही चुकी होगी, तीनों की बात कर रहा है इतने घंटे में, यानी कि तीनों मिलकर। तो अगर तीनों लोग मिलकर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और प्लस सी कितना घंटा, 6 घंटा। उसके बाद और कुछ दिया है, कह रहा 2 घंटे तक चलता है, 2 घंटे बाद सी छोड़ देता है, 2 घंटे तक चलता है, 2 घंटे बाद सी छोड़ देता है। फिर ए और बी शेष टंकी को 7 घंटे में भरते, यानी कि ए और बी 7 घंटे ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया? अच्छा, अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42। कितना हो जाएगा बच्चों, 42। कितना हो जाएगा, 42। ठीक, तो अगर हम 42 लें तो इसको अगर करते हैं ए बी सी का, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। अच्छा, कह रहा है जब ए और बी सी 6 घंटे में भरते हैं तो तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, और ये नल कितने घंटे तक खुला रहता है, 2 घंटे तक, भरने तक। तो तीनों अगर खोलते हैं तो 1 घंटे में कितना, 7 काम करते हैं वह, तो वो 2 घंटे तक खुले रहे हैं टंकी, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, × 2, यानी कि कितना निकल कर आ जाएगा, 14। यानी कि 2 घंटे में वो 14 काम कर चुका होगा, लेकिन कितने काम उसको करने हैं, 42 काम करने हैं, लेकिन 42 में से कितना काम अभी हो चुका है बच्चों, 14 काम, 14 काम हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? अभी 2 घंटे तक तीनों लोगों ने काम किया, ए बी सी तीनों का 1 आवर ऑफ वर्क 7 है, 1 घंटे का कार्य 7 है, लेकिन कह रहा है 2 घंटे तक खुला था, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 14 काम हो जाएगा। लेकिन कुल काम थे कितने, 42 काम थे, तो 42 काम में से 14 काम तो हो चुका है, तो बच्चों बचा कितना काम, 42 में से 14 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें।